भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद एक करेक्शन देखने को मिला है। जैसा कि हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, मार्केट में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिली है, तो उसके बाद एक मार्केट में कंसोलिडेशन या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी अपने गैप अप वाले जोन के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि 11,470 लेवल पे है। तो जब तक निफ्टी इसको सस्टेन करता है, अभी भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप 11,400 के पुट ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है इस एक्सपायरी के लिए, और वहीं ऊपरी स्तर पे 11,500 और 11,600 के कॉल ऑप्शन में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिला है। सो अभी आने वाले कुछ दिनों में जो ब्रॉड रेंज होगा निफ्टी का, वो 11,400 से 11,600 तक का देख सकते हैं, और तब तक के लिए अभी भी निफ्टी में एक बुलिश सेंटीमेंट जारी रहेगा। आज की अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स में अधिकतर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो BFSI सेक्टर लगभग 2 से 2.5% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और इवन फार्मा सेक्टर्स में भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज के स्तर पे जो पॉजिटिव सेक्टर हैं अभी, वो IT एंड एनर्जी हैं, जो कि लगभग 1.5 से 2% ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी 29,800 के लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और इसका इमीडिएट सपोर्ट 29,500 और रेजिस्टेंस 30,000 के पास देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि मार्केट में ऐसे ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस मार्केट कंडीशन में बेटर ये रहेगा कि लोग अपनी बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं।